हाय गाइस, मैं हूं सत्य। आप चलो फिर से एक बार स्वागत है जस्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइफ हैक के बारे में बताना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग तो पता नहीं होगा लाइफ हैक क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोग तो पता ही होगा वाईफाई के बारे में। वाईफाई जिस चीज के ऊपर काम करता है, लाईफाई उसी चीज के ऊपर काम करता है। वाईफाई को आप लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, लाईफाई भी पूरी पूरी उसी तरीके से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, अभी लाईफाई का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमको 5 सबसे जो अच्छा चीज से मिलने वाला। सबसे पहले मैं आपको लाइफ हैक का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइफ हैक का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट फिडेलिटी, वो पूरा पूरा लाइट के ऊपर काम करता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो फायदा है, नंबर 1 फायदा पर है, वाईफाई के अंदर जो सिग्नल आप यूज करते हो वो है रेडियो सिग्नल का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन लाईफाई के अंदर आपको कोई लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स नंबर 2 फैसिलिटी पर आता है। वाईफाई को आपको कोई भी इंसान आसानी से हैक कर सकता है, आप सभी लोग तो पता ही होगा, लेकिन लाईफाई का जो सिस्टम है ना, इसको कोई भी इंसान इतना ज़्यादा आसानी से हैक नहीं कर सकता है। आपकी जो डाटा है बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 3 फैसिलिटी पर आता है, वाईफाई को आप अंडर वाटर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाईफाई के अंदर रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी रेडियो सिग्नल अंडर वाटर के अंदर काम नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वाईफाई को आप अंडर वाटर में यूज नहीं कर सकते हो। लाईफाई को आप उसके बदले में ले सकते हो, क्योंकि लाईफाई अंडर वाटर के अंदर भी काम कर सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 4 फैसिलिटी पर आता है, वाईफाई के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 GBPS से लेकर 8 GBPS स्पीड के अंदर आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन लाईफाई के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाईफाई के अंदर आपको 100 GB से लेकर 250 GB के अंदर आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी आसानी से। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स नंबर 5 फैसिलिटी पर आते हैं। नंबर 5 फैसिलिटी पर आपको पता है जो वाईफाई के अंदर यूज किया जाता है रेडियो सिग्नल, वो ह्यूमन बींग के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, आप सब लोग तो न्यूज में रोज सुनते होंगे, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊंगा। फ्रेंड्स, वैसे ही लाईफाई के अंदर ऐसा कोई सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लाईफाई के अंदर आपको सिर्फ लाइट की मदद से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली जो ऑडियो सिग्नल है इसको हम लाईफाई की मदद से ट्रांसफर करेंगे। सामने से एक सोलर पैनल बसा के इसके अंदर हमको जो लाईफाई का डाटा है वहां पे आपको रिसीव कर लेंगे, फिर इसके बाद जो सोलर पैनल से हम लोग ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है इसको ऑल के ऊपर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह नॉलेजफुल और नया नया अमेजिंग साइंस से रिलेटेड एक्सप्लेन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस एक्सप्लेन शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 3.5 mm अक्स केबल, इसके साथ साथ हमको एक छोटा सा सोलर पैनल चाहिए, और एक LED चाहिए, और एक रेजिस्टर चाहिए, और एक 9W बैटरी चाहिए, और इसके साथ साथ बैटरी का जो कनेक्टर रहता है कनेक्टर चाहिए, और इसके साथ हमको एक स्पीकर चाहिए जो कि ऑक्स केबल सपोर्टेड ऑप्शन जिस स्पीकर के अंदर हमको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस ऑक्स केबल का बीचों बीच में इस कैंची के मदद से कट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने केबल को कट कर लिया है। तो अब इस केबल के अंदर हमको वायर को निकलना है। इसके अंदर हमको 3 कलर दिखने के लिए मिला है, मैं आपको दिखा देता हूं पास में, एक गोल्डन कलर, एक रेड कलर, एक जो है ब्लू कलर। तो हमको क्या करना है, रेड कलर को अलग रखना है, और इसके साथ साथ जो गोल्डन कलर है, जो कि दिख सकते हैं गोल्डन कलर और ब्लू कलर, इन दोनों को वापस में हमको कनेक्ट कर लेना है, और रेड कलर को अलग छोड़ देना है। इसके अंदर हमको 2 टर्मिनल दिखने के लिए मिल जाएगा, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको बहुत आसान हो जाएगा। इसके अंदर तो एक इंसुलेटर रहता है, जिसके मदद से वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए फ्रेंड्स, इसी लाइटर की मदद से इसके अंदर जो इंसुलेटर है मैं हटा देता हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसका इंसुलेटर भी हटा देंगे, इंसुलेटर है हमने आसानी से हटा दिया है। अब इसको वापस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस जो ऑक्स केबल का जो कटा हुआ हिस्सा, एक हिस्सा में हमको सोलर पैनल को कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कनेक्शन हमारा सोलर पैनल के साथ एक ऑक्स केबल के साइड कनेक्ट हो चुका है। अब इसको साइड रख देते हैं। केबल के अंदर हमको ऐसे ही 2 टर्मिनल मिल जाएगा। इसके अंदर हमको क्या करना है, जो बैटरी कनेक्टर का एक हिस्सा हमको इसी जो ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा के अंदर हमको एक रजिस्टर जो लिया था, रजिस्टर को हमको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो रजिस्टर है एक हिस्सा के अंदर कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब जो LED हमने लिया था, LED का एक हिस्सा को हमको कुछ इस तरीके से इस जो रजिस्टर के अंदर हमको कनेक्ट कर लेना है।
अब एलईडी का जो बचा हुआ हिस्सा और कनेक्टर का बचा हुआ हिस्सा को हमको वापस में कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स अब इस बैटरी को इस कनेक्टर के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड के अंदर इसको फिक्स कर दिया है। अब इसका टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स टेस्ट लेने से पहले हमको क्या करना है, जीसी टर्मिनल से हमको सोलर पैनल को जीसी ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट किया है, उसके ऑक्स केबल को हमको जो स्पीकर लिया था स्पीकर के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो फ्रेंड्स सुन सकते हैं हमारा जो स्पीकर ऑक्स मोड बोल दिया है। तो फ्रेंड्स जो दूसरा ऑक्स केबल हिस्सा बचा है इसको हमने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक जो सोलर पैनल का हिस्सा हमने स्पीकर के अंदर लगा लिया, अब जो दूसरा हिस्सा है हमने जो मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स अब इसका जो साउंड है अभी चालू करता हूँ, 3 2 1। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मोबाइल के अंदर म्यूजिक रन हो चुका है लेकिन हमारा जो साउंड है बिल्कुल सुनने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारा जो एलईडी का फोकस है वो दूसरा साइड है, जो सोलर पैनल का फोकस है वो दूसरा साइड है, उनके जो फोकस है हमको दोनों को मिला देते हैं। तो फ्रेंड्स सुन सकते हैं इसका जो साउंड है आपको सुनने के लिए मिला होगा जाता है। तो फ्रेंड्स तो इसके अंदर मैं हाथ रख देता हूँ इसका बीचों बीच, आपको कहीं पर भी साउंड सुनने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो लाइव है का सिग्नल होता है इसके अंदर बीचों बीच अगर कोई मतलब दीवार आ जाता है तो दीवार का आर पार नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए इस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सेफ है। तो फ्रेंड्स इसको और एक बार इसके जो दूर हटा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो फोकस मैंने चेंज कर लिया है इसके अंदर आपको कहीं पे भी साउंड सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सोलर पैनल के सामने ला रहा हूँ फ्रेंड्स, सुन सकते हैं इसका साउंड। तो फ्रेंड्स इसका साउंड आप सुन सकते हैं, मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था इस लाइफाई टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंट आज का इस वीडियो के अंदर। आई होप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन आता है इस कॉल के ऊपर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे हम जब भी नया अपडेट देंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए था फिलहाल इतना ही, फिर मिलते अगला का नया वीडियो के साथ नया एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।